यार डर लगता है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आप सब तो बस आज हम लोग जा रहे थे घर, तो अहमद ने मुझे कहा मम्मा आप ऐसे बैठ जाओ, और रात में जब जाते हैं तो मैं ऐसे ही बैठ जाती हूँ। अहमद स्टार्ट आ गया, आपको बोलो। कैसे हैं आप लोग? होप यू आर डूइंग वेल। हम भी ठीक हैं, बाइक चला रहे हैं। हिम्मत करके हम लोगों ने मोबाइल निकाला है अल्लाह का नाम लेके, के बाद आगे पीछे देखकर कि मतलब हम चलते हैं घर, और बस दिखाना था कि हम दोनों माँ बेटा निकलते हैं तो फिर ऐसे गप्पे शप्पे मारते हैं, एंजॉय करते हैं और व्लॉग बनाते हुए जाते हैं। तो बस हमारे साथ ऐसे ही बने रहे, मिलते हैं आपसे घर जाके। अल्लाह पुलिस वाले जा रहे थे। तो जनाब हमारी सुबह अल्हम्दुलिल्लाह हो गई थी और आज है जुम्मा। इधर आए फातिमा, आप सबको हमारी तरफ से जुम्मा मुबारक। बोलो जुम्मा मुबारक। जुम्मा मुबारक। अब जल्दी से व्लॉग का स्टार्ट करो। कैसे आप पहले किया करते थे? वेलकम टू वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और मेरा शहजादा अहमद, अहमद बैठो। माशाल्लाह इतना प्यारा लग रहा है। आज जुम्मा था, मेरा बेटा माशाल्लाह से प्यारे प्यारे कपड़े पहन के जुम्मे की नमाज पढ़ के उठ के बैठो। और लो मेरे बेटे को नींद नहीं आ गई सुबह से, आज उठा था ना चश्मा तो लगा दो हीरो। वो अहमद जैसे ही आएगा ना ऐसे 1 2 3 और यहाँ बम फटेगा। इधर दिखा चेहरा, अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारे लग रहे। अच्छा मैं लेकर ये जो ड्राई क्लीन से परसों लेकर आई कपड़े, अच्छा कपड़े आने होते सही है और मेरे अहमद ने पहनने होते। अभी मैंने सोचा था ये नहीं पहनो, माविया के भी शादी भी है उसमें एक आध दिन चला लेंगे ये कपड़े, मगर इन्होंने आज पहन लिए। खैर कोई बात नहीं, बस बहुत 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 प्यारा लग रहा है। बाहर ही थे आप, बाल अच्छे लग रहे कटिंग करवा के, और टोपी में भी। आपको अभी तो कपड़े पहनाए, क्या हो गए? मम्मा मैं तो अभी कपड़े चाहिए। यार ऐसा तो नहीं करो गुड़िया। तो बस मिलते हैं आपसे। आलू के पराठे बना दूं? तुम बेटा ऐसा नहीं करो, अपनी भूख को ना वो करो। मैं आलू के पराठे चले इंशाल्लाह। क्या मैं बताऊँ अम्मा 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 अम्मा, बस चलते हैं ठीक है जी भाई। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह असर की भी नमाज हमने पढ़ ली, जोहर भी पढ़ ली, सूरह कहफ भी पढ़ ली, और फिर मैं आगे किचन की तरफ, मैंने चाय रखी और मैंने आलू के पराठों के लिए पेड़े बना लिए। और आलू के पराठे जिसे बनाओ ज़्यादा मिक्सचर बना लो तो फ़ायदा होता है कि नेक्स्ट डे जो है आपको परेशानी नहीं होती कि आप दोबारा से बना लेते हो। मेरी आवाज़ नज़ला हो रहा है शदीद वाला। खैर कोई बात नहीं, इनके बाबा भी नमाज़ पढ़ के अल्हम्दुलिल्लाह आ गए, तो मैं फटाफट से ये बनाती हूँ पराठे और बच्चों को भी जो है ना कहती हूँ कि चलो दस्तरखान लगाओ। तो मिलते हैं आपसे खाने को जी। पर्स लगा के कहाँ जा रही हो दादी अम्मा? हाँ ये बस इससे सारा दिन मैं खेलती रहती हूँ, मेरा बहुत अच्छा वक्त गुजरता है इसके साथ। मैं मिलती हूँ थोड़ी देर में। इब्राहिम अस्सलामुअलैकुम, जुम्मा मुबारक। लाइट ऊपर से खोलिए, हंस रहे हो। नमाज पढ़ने चले जाना। और कैसे हो आप? तशरीफ रखे यहाँ चेयर पे बैठिए। नमाज का टाइम हो गया। आपके चेहरे पे पिंपल क्यों निकल रहा है इब्राहिम? आपका है ना वो वाला फेस वॉश, वो कर लेना। और गुड़िया देखे यहाँ बैठी है और मुसलसल अपने बाबा से मस्के लगा रही है, मुझे पार्क ले जाएंगे, क्या हो गया? ये देखिए करीब करके दिखाती हूँ, चोट लग गई गुड़िया को। अल्लाह पाक अच्छा कर देगा। मैंने दिखा दिया, करीब करके दिखाया है। हाँ भाई मुझे कमेंट बड़े प्यारे से आए थे, मैंने सोचा कि वो मैं आपको बता दूं कि जो लोग कमेंट अच्छे करते हैं तो मुझे जो है ना बहुत हिम्मत मिलती है ठीक है। कि तो बस जनाब मैं बैठी हुई थी, मैंने नमाज वगैरह भी पढ़ ली अल्हम्दुलिल्लाह, सब कुछ कर लिया, फिर मैं कमेंट पढ़ रही थी। तो मुझे अच्छा लगता है कि आप लोगों के कॉमेंट जो है मेरी हिम्मत बनाते हैं। लाजिम में जब अहमद व्लॉगिंग कर रहे थे तो ये था कि अहमद के साथ सबसे बड़ी सपोर्ट जो है अहमद की मैं थी, मैं अहमद को बहुत सपोर्ट करती थी, फिर घर में सब अहमद को सपोर्ट करते थे। अब ये कि जब मैंने अपने हैंड ओवर चैनल किया है तो मेरी सपोर्ट मैं खुद ही हूँ, मैंने सब कुछ खुद ही करना है। लाजिम है बच्चे हैं, वो बच्चे क्या सपोर्ट करेंगे। मैं जब बच्चों को सपोर्ट कर रही थी तो माशाल्लाह से उनकी हिम्मत बनती थी। अब सब कुछ लाजिम है मैंने अकेले करना है, अब मुझे किसी की सपोर्ट नहीं है, ना हस्बैंड की सपोर्ट है ना बच्चों की सपोर्ट है, मैंने खुद जो कुछ करना है सब कुछ करना है। और इस यकीन और इस उम्मीद के साथ मैंने सब कुछ शुरू किया है कि अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह मुझे ज़रूर कामयाबी मिलेगी। और मैंने एक साल का चैलेंज लिया है व्लॉगिंग का ठीक है, और एक साल का जो मैंने व्लॉगिंग चैलेंज लिया है, पहले मैंने एक महीने की व्लॉगिंग की तो वो भी इसमें इंक्लूड है। तो माशाल्लाह आज मेरा मेरे ख्याल से 43 या 44 जो है व्लॉग जाएगा। तो इसमें ये कि डेली व्लॉगिंग जब आप करते हो ना तो आपको कुछ ना कुछ दिखाना पड़ता है बेटा। मैं बिल्कुल एग्री हूँ इस बात से कि बोर भी होता है, सब कुछ होता है, मगर हमने रोजाना कुछ ना कुछ व्लॉग में अपलोड करना है, चाहे कुछ हो चाहे कुछ ना हो हम लोगों ने डालना है। क्योंकि जब डेली व्लॉगिंग चैलेंज है, गैप नहीं करना आपने, इसकी बिल्कुल भी आपने नहीं करना है। और मुझे इतना यकीन है कि जिस दिन मेरा 365
अभी लोग जाएगा तो मैं कहीं ना कहीं किसी ना किसी मकाम पे खड़ी होंगी। मेरा अल्लाह पे यकीन है कि मेहनत में अजमत है और मुझे इसका फल ज़रूर मिलेगा इंशाल्लाह। आप लोगों का प्यार रहा तो ज़रूर। तो बस वो कमेंट ये था, मुझे बहुत अच्छा लगा था किसी ने कमेंट कहा कीप गोइंग टू। एक तो जब लाइट पड़ती है मुझे नज़र कुछ नहीं आता है, ये जब मैं ये टॉर्च जलाती हूँ तो मुझे चश्मा ऐसे ही लगा के मैं देखती हूँ कि क्या है। कीप गोइंग टू द टॉप इंशाल्लाह। मुझे बहुत अच्छा लगा इनका ये कमेंट। और इसके अलावा माविया की शादी के हवाले से कहा, तो जी हाँ माविया की शादी है, आप लोगों ने माविया के लिए बहुत सारी दुआएं करनी है। फिर उसके बाद एक कमेंट आया कि घर की अगर बड़ी बहू होती तो भी बहुत अच्छा होता, तो काश कैसा होता। मैं भी ये चाह रही थी कि काश कैसा हो जाए तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। अच्छा एक जो है जिनका हमेशा कमेंट आता है वो ये ना अफशा नॉलेज की दुनिया, बहुत प्यारे कमेंट करती है, बहुत हिम्मत मेरी बनती है। तो थैंक यू सो मच सिस्टर, ऐसे ही हमारे साथ बने रहे, ऐसे ही मेरी हिम्मत बनाते रहें। और एक नौशीन तारिक बहुत अच्छे कमेंट करती हैं, वो बच्ची मुझे मेरी इतनी हिम्मत बनती है, इतना मुझे सपोर्ट मिलता है कि शायद आपकी सोच हो। इसके अलावा समरा अंसारी थैंक यू सो मच बेटा इतने प्यारे प्यारे कमेंट करने के लिए। एक कमेंट आया मैं और मेरी दुनिया जिसे मैंने आपको बताया, उन्होंने भी बहुत अच्छा कमेंट किया, मुझे अच्छा लगा। और बहुत सारे ऐसे कमेंट है जो मतलब के नाम नहीं होते, उनकी आईडी की कुछ नंबर से मेंशन होते हैं, तो उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे हिम्मत देने के लिए, इतना प्यार देने के लिए कि बस मुझे इस वक्त मेरा फोकस है कि डेली मुझे वीडियो अपलोड करनी है, चाहे व्यूज़ आए चाहे ना आए। एक दिन तो ऐसा होगा ना कि मेरे व्यूज़ आएंगे, मुझे कामयाबी मिलेगी, इस यकीन के साथ मैंने डेली व्लॉग करना है। और आप लोग कहेंगे बहुत लंबी बातें आंटी करती, नहीं लंबी बातें नहीं, ये करना ज़रूरी था क्योंकि ये आपकी जो ना व्लॉगिंग का एक हिस्सा है कि आपको अपने देखने वालों को सारी चीज़ें बतानी पड़ती है, तो मैंने सोचा कि आज मैं आपको सारी चीज़ें बता दूँ, है ना गुड़िया। हम डेली व्लॉग अपलोड करेंगे ठीक है ना। और फातिमा भी अब स्कूल जाएगी इंशाल्लाह, और फातिमा पढ़ाई कर रही थी, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रही थी, मगर मुझे फातिमा को अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाना था, तो अब फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह इसका अच्छा स्कूल में एडमिशन हो गया है। कमेंट आया था कि शुक्र स्कूल का तो सोचा, तो उसके लिए ये जवाब है कि बेटा फातिमा पढ़ रही थी, मैं बताती नहीं थी क्योंकि अभी हमने नॉर्मली इसको रखा हुआ था स्कूल का जो भी था सेटअप, मगर अब मुझे अच्छे स्कूल में करवाना था, लाजिम है कि हर चीज़ देखी जाती है और वक्त के हिसाब से सब कुछ अच्छा लगता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हो गया, मंडे को फातिमा का टेस्ट है, आप सब ने दुआ करनी है कि फातिमा क्वालिफाइड हो जाए और फातिमा का जो है ना सब कुछ अच्छे से हो जाए, तो ये दुआ में आपने याद रखना है। तो बने रहे, इब्राहिम नमाज पढ़ कर आ गए और अहमद को उठा रही हूँ, उठाने का ये नतीजा निकला कि अहमद कम्फर्ट उड़ के सो गए। देखो ये क्या बात हुई, कानों पर चंपा मार दिया किसने, ये क्या हो गया बेटा, दाने निकल गए, फेस उसको मिले पाला चबे चबे पाला चा पाला चबे चमेले पाला चबे चमेले पाली छिपे छिपे छि और पाया पाल करिए। अहमद 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 बेटा उठ जाओ ना मेरी जान, हाँ उठ जाओ। उठ रहा हूँ यार, बस हम व्लॉग का यही एंड करेंगे क्योंकि अहमद उठ नहीं रहे, सो रहे हैं वो, और फातिमा भी बोर हो रही है, हमें कहीं जाना है, देखें कोई लेके जाने वाला नहीं है, कोई हमें नहीं लेके जा रहा ना, लेके जा रहे वो खाना खा रहा है, वो क्या लेके जाएगा उसको, मैं रोड पे बाइक के साथ अभी नहीं लेके जाती, इसको नहीं आदत हुई है बाइक चलाने की। तो बस फातिमा इस व्लॉग को हम यही एंड करें, आओ फातिमा व्लॉग का एंड कर दे, बोलो लाइक करे, पूरा लाइक करे और पूरा वॉच करे, पूरा वोट करें, बहुत सारा प्यार दें, बहुत सारा प्यार दें। तो हम इस व्लॉग का यही एंड करते हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, दुआओं में हमें याद रखें, पेरेंट्स के रिस्पेक्ट, उनका ख्याल, उनसे प्यार, उन्हें वक्त लाजमी दें, नमाज की पाबंदी करें और हमारे चैनल को जाके जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।